जी आप बताइए, आपको मेरी आवाज क्लियर है? यस यस सर। ये जो प्रेजेंटेशन, अभी आपको प्रेजेंटेशन नजर आ रही है आपके स्क्रीन के ऊपर? ठीक यस सर। है, ठीक यस है। सर। अब देखें, अब जो है हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर आ रहे हैं, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की एक छोटी सी डेफिनेशन जो है वो आपसे पूछी जाती है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, ऑन एडिंग अ सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्वेंट्स आर मॉडिफाइड। उसके बाद क्या है कि दीज चेंजेस आर कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दे डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिलेटिव टू द सॉल्वेंट पार्टिकल, नॉट ऑन द काइंड ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। देखें, ये जो आखिरी थ्री लाइन्स है ना, ये समझें कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की डेफिनेशन है। वॉट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? दीज आर द प्रॉपर्टीज दैट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स रिलेटिव टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स, नॉट ऑन द काइंड ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल। यानी ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो इस बात पर डिपेंड करती हैं कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल कितने हैं, ठीक है, एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल। ये इस पर डिपेंड नहीं करती कि सॉल्यूट पार्टिकल कैसे हैं, ठीक है। यानी ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्वांटिटी पर तो डिपेंड करती है, क्वालिटी पर डिपेंड नहीं करती। यानी अगर अच्छा ठीक है, तो इसको आगे डिटेल में आगे चल के देखेंगे। सिंपली क्या है कि ऐसी ये बेसिकली क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है। ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर तो डिपेंड करेंगी, लेकिन उसकी क्वालिटी पर या उसकी नेचर पर डिपेंड नहीं करेंगी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोसिस। ये हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, और इनको हमने वन बाय वन जो है वो डिटेल के अंदर देखना है। देखिए, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का ये जो ग्राफ है ये पूरा का पूरा आपको आना चाहिए, ठीक है। कैसे आएगा? बहुत आसान ग्राफ है, इतना मुश्किल ग्राफ नहीं है, बाहर तो शायद आपको लग रहा हो, लेकिन ये बड़ा आसान सा ग्राफ है। इसको आइए जरा डिटेल के अंदर देखते हैं। देखें, जो ऊपर वाला ग्राफ है ना, एक्स एक्सिस पर हम टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और वाई एक्सिस पर हम क्या नोट कर रहे हैं? वेपर प्रेशर। अब आप लोग ये जानते हैं कि हर लिक्विड का कोई ना कोई वेपर प्रेशर होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाते जाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाता है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आप टेम्परेचर कम करेंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। अब ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इनमें एक अपर कर्व है जिसको ए बी का नाम दिया है। ये जो अपर कर्व है ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और जो लोअर कर्व है उसका नाम है सी डी, और वो क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब अपर कर्व प्योर सॉल्वेंट का है क्यों? ये हमने कल पढ़ा था, इसलिए कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, इसीलिए उसका कर्व जो है वो हाई है। सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर का जो कर्व है वो बिलो आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया है कि हम क्या कर रहे हैं, अब हम वो प्योर सॉल्वेंट हमने लिया और उसका वेपर प्रेशर कितना था? वेपर प्रेशर उसका पॉइंट ए के ऊपर था। अब हमने उसको हीट कर रहे हैं, प्योर सॉल्वेंट को लेके हम हीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से, हीट करने की वजह से प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर पॉइंट ए से ग्रेजुअली इंक्रीज करेगा। हमने टेम्परेचर बढ़ाया, वेपर प्रेशर बढ़ा, और हमने टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर और बढ़ेगा। टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा, और टेम्परेचर और बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते बी तक पहुंच जाएगा। अब यहाँ एक सवाल ये है कि वेपर प्रेशर, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे तो टेम्परेचर को नोट कर रहे हैं एक्स एक्सिस पर, और वेपर प्रेशर बढ़ रहा है तो उसको नोट कर रहे हैं वाई एक्सिस पर। अब यहाँ एक सवाल ये है कि टेम्परेचर को तो आप इनडेफिनेटली हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते चले जाएंगे वेपर प्रेशर को, तो क्या टेम्परेचर को अगर आप हजारों डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाते चले जाएंगे
तो क्या वेपर प्रेशर भी इसी तरह हजारों लाखों तक बढ़ता ही चला जाएगा? ये एक सवाल है। तो देखिए इस सवाल का जवाब क्या है, इस सवाल का जवाब ये है कि ऐसा नहीं है। जो लिक्विड स्टेट होती है ना, बड़ी डेलिकेट स्टेट होती है, डेलिकेट समझती है, नाजुक स्टेट होती है, लिक्विड के ऊपर आप ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते, सही है ना? जैसे लड़कियों पर ज्यादा सख्ती नहीं कर सकते ना, लड़कियों को ज्यादा डांट दो तो रोने लग जाती हूँ, लड़कों को तो गालियां भी दे दो, गालियां तो हम नहीं देते वैसे, लेकिन लड़कों के साथ कितना भी आप बुरा सलूक करें, वो खैर से अच्छे खासे, अब क्या कहना चाहिए, शायद ढीठ कह लो, कुछ भी कह लो, लेकिन बहरहाल उनका टॉलरेंस बड़ा हाई, टॉलरेंस लेवल बड़ा हाई होता है। वो बड़ी बड़ी सख्त सख्त डांटे भी बर्दाश्त कर लेते हैं, और बड़ी सख्त तनकीद भी बर्दाश्त कर लेते हैं, उनको आप सही मानों में लताड़ दें तो वो बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन लड़कियों में शायद ऐसा नहीं होता, थोड़ी सी वो दिल की नाजुक होती है। तो आप समझे कि लिक्विड भी ऐसे ही होता है, लिक्विड एक बड़ी डेलिकेट सी स्टेट है, आप उसको ज्यादा टेम्परेचर देंगे क्या करेगा, बॉइल करके वो बहुत ही ज्यादा आपने टेम्परेचर दे दिया, वो बिल्कुल ही वेपराइज हो गया, गायब ही हो जाएगा, ऐसा ही है ना? तो बिल्कुल इसी तरह टेम्परेचर आप बढ़ाते चले जाएं तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन क्या है, टेम्परेचर के बढ़ने की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन वेपर प्रेशर के बढ़ने की लिमिट है। और वो वेपर प्रेशर के बढ़ने की लिमिट क्या है, वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते सिर्फ एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो सकता है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको पता है कि क्या होता है, अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो क्या होगा? अब ये मैं अभी आपका माइक ऑन करता हूँ, देखता हूँ इसका जवाब कौन देगा। अगर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए तो फिर क्या होगा? सर वो लिक्विड बॉयल हो जाता है, ये कौन बोला, ये मैंने बताया आयशा। आयशा? हाँ, वो लिक्विड बॉयल हो जाता है, ठीक है ना, उससे ज्यादा उसका वेपर प्रेशर किसी, तो पता क्या चला कि अपर लिमिट क्या है किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर की, अपर लिमिट उसका एक्सटर्नल प्रेशर है, जैसे ही वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आएगा वैसे ही वो बॉइल कर जाएगा, और जब वो बॉइल कर जाएगा तो आप समझे कि उसका फना का सफर शुरू हो जाता है लिक्विड का। अगर लिक्विड बॉइल करना शुरू हो जाए तो फिर उसका फना का सफर शुरू हो जाता है, वो आप बॉइल करते जाए एक वक्त आएगा बेचारा सारा का सारा वेपराइज होकर खत्म ही हो जाएगा, सही है ना? जैसे आज मैं आप लोगों की प्रेजेंटेशन ही बना रहा था ना, तो प्रेजेंटेशन बनाने से पहले मैंने कहा यार दूध गर्म कर दूं, और उसको खैर से मैं चूल्हे पे रख के भूल गया, और 2 घंटे बाद जब मैं वहां पहुंचा हूँ तो दूध तो आधा रह चुका था, और मैंने कहा कि भाई बेगम को भी मुंह दिखाने क्या करूँ, फिर तो मैंने फौरन 1.5 गिलास पानी डाल दिया और उसको एक बॉयल और करके उसको ठंडा करने रख। तो बहरहाल होता ये कि अगर लिक्विड को आपने बॉइलिंग तक ले गए ना, बस फिर उसके फना का सफर है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता बेचारा इवेपरेट होता और होता रहेगा, होता रहेगा, और ज्यादा ही हो गया तो बेचारा अपनी हस्ती से गुजर जाएगा। ठीक है, अच्छा देखें, अब हम दोबारा अपनी बात को जरा समेटते हैं। मैंने आप लोगों को ये बताया है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा, हमने इसको टेम्परेचर को बढ़ाया और वेपर प्रेशर बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, अभी देखते हैं कितना हो गया, वाई एक्सिस पर पढ़ते हैं कि कितना हो गया भाई। तो वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते वाई एक्सिस हमको ये बता रहा है कि 760 टॉर हो गया, और 760 टॉर क्या होता है, एक्सटर्नल प्रेशर। अब क्या होगा, ये लिक्विड बॉईल कर जाएगा, ये प्योर सॉल्वेंट बॉईल करेगा, और अब देखते हैं जरा किस टेम्परेचर पे बॉईल कर रहा है। अब जिस टेम्परेचर पे भी ये प्योर सॉल्वेंट ने बॉईल किया उसको, उस टेम्परेचर को हम नाम देते हैं T1 का। व्हाट इज T1? इट इज अ टेम्परेचर एट व्हिच प्योर सॉल्वेंट इज बॉइलिंग। What is T1? It is the temperature at which pure solvent is boiling. अच्छा, अब क्या करें? अब हमने ये किया कि ये हमने तो सॉल्वेंट को लेकर हमने उसको हीट किया, उसका वेपर प्रेशर बढ़ता रहा, और जब वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते सॉल्वेंट बॉइल करके हमने वो उसका बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया, वो आ गया T1। मिसाल के तौर पर अगर मैं वाटर का की बात मान लूँ ना, तो ये वाटर का अगर केस है तो ये T1 कितना होगा, 100 होगा। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने किया ये कि इसको थोड़ा सा वाटर को निकाला, जरा सा अलग किया, उसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया, और इसके ठंडा होने के बाद मैंने इसमें मिसाल के तौर पर शुगर डाल दी और सोल्यूशन बना लिया। अब
इसको जब ये सॉल्यूशन बनाने के बाद, शुगर का सॉल्यूशन बनाने के बाद, अब अगर मैंने इसका वेपर प्रेशर नोट किया ना, तो वो वेपर प्रेशर आ गया 0.C। अब ये सॉल्यूशन बन गया और इसका वेपर प्रेशर कितना आ रहा है, 0.C पे आ रहा है, यानी इसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से अच्छा खासा कम है। और क्यों कम है, ये हम देख ही चुके हैं, कल हमने देखा था कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमेशा कम होता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं सॉल्यूशन को हीट कर रहा हूँ। अब जब मैं सॉल्यूशन को हीट करूंगा तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और हीट करूंगा तो वेपर प्रेशर और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, हत्ता के सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते पॉइंट डी पर आ जाएगा। और पॉइंट डी के ऊपर वेपर प्रेशर कितना हो गया भाई, चलो वाई एक्सिस की रीडिंग पढ़ते हैं। तो पॉइंट डी के ऊपर ये वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते, जरा मैं वाई एक्सिस की वैल्यू देखूं तो कितना बढ़ गया, अगेन दोबारा 760 हो गया। यानी अब यहाँ पे सॉल्यूशन बॉईल कर जाएगा। अब सॉल्यूशन यहाँ पे जो बॉईल करेगा तो किस, इस वक्त टेम्परेचर कितना हो चुका है, आइए एक्स एक्सिस की वैल्यू पढ़ते हैं। तो जब हम एक्स एक्सिस की वैल्यू पढ़ने जाते हैं तो हमें पता चलता है कि भाई ये टेम्परेचर हो गया इस वक्त T2, बढ़ के टेम्परेचर कितना हो चुका है T2। अब यहाँ से हमको ये पता चला कि सॉल्यूशन हमेशा हाई टेम्परेचर पर बॉईल करता है। अगर ये शुगरी सॉल्यूशन था मिसाल के तौर पर, आ गए तो हम, मैं कह सकता हूँ कि वाटर तो 100 पे बॉईल हो गया था, लेकिन ये शायद 102, 103, 104 ऐसे ही बॉईल हुआ होगा। तो क्या पता चला कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हाई होता है, उसको T2 कहते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट लो होता है, उसको हम T1 कहते हैं। और इस T1 और T2 के दरमियान जो गैप है, T1 और T2 के दरमियान जो गैप है, उसको हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने ये देखा, अब हम और ही करेंगे कि ये बॉइलिंग पॉइंट कितना, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला है T2 - T1। अब ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऊपर जाता है, कितना ऊपर जाता है, ये चीज डिपेंड करती है मोलैलिटी के ऊपर या कंसंट्रेशन के ऊपर। जितना आप सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ाते चले जाएंगे, ये बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर और ऊपर और ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जैसे आप यूँ समझें कि आप लोगों ने अगर देखा होगा कि जो वो बना रहे होते हैं ना, जलेबियाँ जो बना रहे होते हैं, जलेबियाँ बनाने के बाद उसको शीरे में डिप कर रहे होते हैं, वो शीरा क्या होता है, बेसिकली हाईली कंसंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ शुगर होता है, और उस शुगर सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। जितना आप सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड करते रहेंगे, जितनी आप उसकी मोलैलिटी बढ़ाते रहेंगे, उतना ही वो गाढ़ा होता जाएगा, उतना उसका बॉइलिंग पॉइंट और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाता रहे। तो एलिवेशन इन बॉय, इसको कैसे पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। नाउ यू कैन टर्न ऑन योर माइक। एनीबडी एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई बात पूछनी है? जी बेटा, किसी को कोई बात पूछनी है यहाँ तक? नो सर। फातिमा, कोई बात पूछनी है? टीबी, सर ये टीवी क्या है? ये है डेल्टा जी टी, डेल्टा टीबी का मतलब है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट कितना ऊपर गया। जैसे वाटर था प्योर सॉल्वेंट, उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 था, और शुगर सॉल्यूशन का अगर बॉइलिंग पॉइंट 102 आया, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, 2 डिग्री। ठीक है सर। अब हमने इस पे बात करनी है कि डेल्टा टीबी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मोलैलिटी के, और यहाँ पे देखें, हमने इससे आगे चलना है, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, और जो है डेल्टा टीबी, और यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी जो कांस्टेंट आता है उसको कहते हैं केबी, और केबी को कहते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, खास से कोई जर्मन वर्ड है, इबोलियो बॉइलिंग से निकला है, बॉइलिंग से निकला है ना, तो इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसको मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी कहते हैं, केबी को।
व्हाट इज के बी? मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट या इपोडियोस्कोपिक कांस्टेंट? देखें, अगर जो है वो के बी को निकालने का तरीका क्या होता है, के बी को निकालने का तरीका ये होता है कि अगर हम 1 मोलल सॉल्यूशन ले लें, मोलैलिटी को 1 पुट कर दें, तो डेल्टा टी बी और के बी बराबर आ जाएगा। क्या पता चला कि अगर आप 1 मोलल सॉल्यूशन लें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ ना कुछ तो हाई आएगा प्योर सॉल्वेंट से। अब वो जितना भी ऊपर गया उसको कहेंगे के बी। दोबारा सुन लें कि अगर मैं 1 मोलल सॉल्यूशन लूं, देखो 1 मोलल सॉल्यूशन लेने का क्या तरीका है कि आप 1 kg सॉल्वेंट लें, उसमें 1 मोल जो है वो सॉल्यूट डालते हैं, तो 1 मोलल सॉल्यूशन बन गया। जैसे अगर हम देखें कि शुगर का आपने 1 मोलल सॉल्यूशन बनाना है, तो 1 kg वाटर लो, उसमें 180 ग्राम आप शुगर डाल दें, सॉरी 342 ग्राम शुगर डाल दें, तो ये क्या बन जाएगा? 1 मोलल सॉल्यूशन बन जाएगा। तो अगर आपने 1 kg वाटर लेकर उसमें 342 ग्राम 342 ग्राम शुगर डाल दी, फिर आपने देखा कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आया, तो 100 से तो ज़्यादा ही आएगा। तो जितना भी आया, मिसाल के तौर पर 104 आ गया, तो ये जो 4 क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा डेल्टा टी बी। और डेल्टा टी बी और एम की वैल्यू तो आप 1 पुट कर चुके हैं, एम की वैल्यू आपने 1 पुट कर ली ना, तो डेल्टा टी बी और के बी बराबर हो जाएगा। हम कहेंगे कि अभी बॉइलिंग पॉइंट जितना भी ऊपर हो गया उसको कहते हैं मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अच्छा, अब देखें, अब यहाँ पे मोलैलिटी बेसिकली किसके बराबर होती है? मोलैलिटी बराबर होती है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलैलिटी किसके बराबर है? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट के। तो नंबर ऑफ मोल की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हम यूज कर रहे हैं यहां पे, देखें नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हम यूज कर रहे हैं मैस, अब मैस ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मैस ऑफ सॉल्यूट। ये हमने क्या यूज किया? नंबर ऑफ मोल की जगह मैस ऑफ सॉल्यूट और डिवाइड बाय नंबर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और मास को यहाँ डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी की जगह ना हमने क्या किया, बेसिकली ये डब्ल्यू वन सॉल्वेंट का मास है, लेकिन हमने बेसिकली डब्ल्यू वन अपॉन 1000 था ये, लेकिन डब्ल्यू वन अपॉन 1000 को 1000 को ऊपर ले गए, तो वो 1000 अपॉन डब्ल्यू वन बन गया। तो बेसिकली ये 1000 कर क्या रहा है? ये 1000 असल में कर ये रहा है कि अब हम इस फॉर्मूले के अंदर जो डब्ल्यू वन मास ऑफ सॉल्वेंट किलोग्राम के बजाय ग्राम में पुट करेंगे, हमने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई कर लिया ग्राम के लिए, यानी अब हमको मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में पुट करना पड़ेगा। तो ये जरा आसान रहता है, इसलिए कि केमिस्ट्री लैब में ज्यादातर काम हम ग्राम्स में कर रहे होते हैं ना। अब उसके बाद हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को हमने रीअरेंज कर लिया मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए, तो ये फॉर्मूला अगेन हमको हेल्प करता है, इसके जरिए हम मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं। अगेन ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी उस दौर के लोगों की कि उन्होंने मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए एक ऐसा फॉर्मूला नोट कर लिया जिसके अंदर नोट जिसके अंदर जितनी भी चीजें सारी बहुत आसान है। डब्ल्यू टू यानी मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू वन यानी मास ऑफ सॉल्वेंट, के बी यानी मोलर बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट, और डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये सारी चीजें, बॉइलिंग पॉइंट तो नोट करना कोई मसला ही नहीं था जाहिर है कि, तो ये बड़ी सारी आसान आसान चीजें थी, इसके जरिए हम क्या कर सकते थे, मोलर मास कैलकुलेट कर सकते थे। अब बताइए कि ये जो हमने डेरिवेशन लिखी है, इस डेरिवेशन में अगर आप लोगों ने कुछ पूछना है तो अब आप लोग अपना माइक ऑन कर सकते हैं जो आप चाहें। तो इस डेरिवेशन में कोई बात पूछनी है आप लोगों ने?
ये फॉर्मूला हम न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे। जी एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? आमना मुदस्सर, आयशा, अनिका, बेटा किसी को कोई बात पूछनी है इसमें? सर ये जो आपने सेकंड सेकंड वाला फॉर्मूला बताया था डेल्टा टी बी इज इक्वल्स टू के बी ओवर मल्टीप्लाई बाय पूरी एक्सप्रेशन, सर ये एक दफा रिपीट कर दें सिर्फ सेकंड वाला। बेटा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी एम, ये तो हाँ बस लॉ है। इसमें मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है, मोलैलिटी का यस सर, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह हम W2 अपॉन M2 ले रहे हैं, यानी मास अपॉन मोलर मास। और मास ऑफ सॉल्वेंट चूंकि हमने ग्राम में लेना है, डिनोमिनेटर में मोलैलिटी के फॉर्मूले में होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सॉल्वेंट को W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमने ग्राम के लिए फॉर्मूले को कन्वर्ट कर लिया है, तो इसके लिए ये 1000 ऊपर आ रहा है। ओके सर तो अब ये फॉर्मूला जो है ये हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए। अब हम ये बेटा ये ग्राफ जो हमने देखा था, इस ग्राफ में और इसमें कोई मसला तो नहीं है, हम आगे चलें इससे? यस सर, ग्राफ समझ आ गए। ठीक है ठीक है, ये इंशाल्लाह ये प्रेजेंटेशन में मैं आप लोगों को बॉन्ड टीचर पे मैंने अब मैंने आप लोगों को लिंक भी भेजा था, आप लोग उसको जो नहीं हो उनको बता दीजिएगा, आप लोग भी देखना चाहे तो देख लीजिएगा। अब देखें हम आ रहे हैं जो है वो एक ये दोबारा एक इसी तरह का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक क्या कहता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक ये कहता है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का वो सॉल्यूशन के बनने के बाद नीचे आ जाता है। यानी जैसे वाटर की एग्जाम्पल लें कि वाटर कब फ्रीज करेगा, वाटर फ्रीज करेगा जनाब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। लेकिन अगर आपने वाटर का एक्वस सॉल्यूशन बन वाटर का सॉल्यूशन बना लिया, मिसाल के तौर पर वाटर में आप सॉल्ट डाल दें, तो अब उसका क्या होगा, या वाटर में आप शुगर डाल दें, तो अब वो वाटर जीरो पे फ्रीज नहीं करेगा। शुगर का जो सॉल्यूशन है ना वो जीरो पे फ्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो मिसाल के तौर पर जो है वो फ्रीज करेगा -2 डिग्री पर या -3 डिग्री पर या -4 डिग्री पर फ्रीज करेगा। तो अब ये जो फ्रीजिंग पॉइंट पीछे चला गया इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर तो वाटर फ्रीज करता है जीरो पे, तो वाटर करता है और सॉल्यूशन शुगर का सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है -3 पर, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा, उसको कहेंगे 3 डिग्री डिप्रेशन आएगा। 3 डिग्री जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट क्या चला गया, नीचे चला गया। ठीक है, जैसे आप लोग देखते हैं ना कि ये जो लोग जहाँ पे बेतहाशा सर्दी पड़ रही होती है ना, टेम्परेचर -12 -20 -30 तक चला जाता है यूरोप के अंदर, तो वहाँ तो आपको पता है कि वाटर तो फ्रीज हो जाएगा, वहाँ तो स्नोफॉल बेतहाशा होती है। बाद यूरोप में तो बाद जगह छः छः महीने सूरज ही नहीं निकलता, इतनी बर्फ जमी रहती है 6-6 महीने तक। तो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जब उन लोगों को एरोप्लेन वगैरह फ्लाई करने होते हैं तो वहाँ पे तो इतनी बर्फ होती है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये करते हैं कि मिसाल तौर पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ है ना, तो वो करते हैं इसको क्या कहते हैं, डी आइसिंग करते हैं। डी आइसिंग करने के लिए वो क्या करते हैं, इसके ऊपर नमक फेंकते हैं। नमक नमक जब उसके ऊपर जाता है तो नमक की वजह से सोल्यूशन बनता है और सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट नीचे चला जाता है। मिसाल के तौर पर अगर अगर उन्होंने -20 डिग्री है मिसाल के तौर पर, तो उन्होंने इतना सॉल्ट फेंक दिया कि उस सॉल्यूशन ने वो ऐसा सॉल्यूशन बन गया कि उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मिसाल के तौर पर -25 पे चला गया। फ्रीजिंग पॉइंट जीरो के बजाय -25 पे चला गया। अब अगर सॉल्ट के सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिसाल के तौर पर -25 पे चला गया डिप्रेस होते होते, तो इसका क्या मतलब है कि वो -25 पे फ्रीज होगा और -20 के ऊपर लिक्विड हो जाएगा। तो वो क्या होता है कि वो फौरी तौर पर वो क्या है कि वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और फिर वो पानी की तरह बहने लगता है, फिर वो फिर उसको ड्रेन कर लेते हैं। बहरहाल अब देखें अब हम क्या कर रहे हैं, देखो अगर आप गौर करो ना तो ये वही ग्राफ है, ए बी और ई डी बेसिकली वही ग्राफ है। ए बी कौन सा है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, और जो ई डी है या डी ई है, डी ई है, डी ई बेसिकली, तो ये क्या है, बेसिकली सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है।
ऊपर वाला कर्व किसका है? प्योर सॉल्वेंट का, इसलिए कि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हाई होता है। नीचे वाला कर्व किसका है? सॉल्यूशन का, इसलिए कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। लेकिन एक फर्क है, और वो फर्क क्या है कि अब हम कर क्या रहे हैं? अब हम कर ये रहे हैं कि हम कूल कर रहे हैं, इसलिए कि हमने क्या करना है, फ्रीजिंग करनी। हमने क्या किया, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था ए, ए पॉइंट के ऊपर। अब हम जब इसको कूल करेंगे तो कूल करने की वजह से वेपर प्रेशर नीचे आएगा। अब हम कूल कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है, और कूल किया वेपर प्रेशर और कम हुआ, और कूल किया वेपर प्रेशर और कम, और कूल किया वेपर प्रेशर और कम, और कूल किया, और वेपर प्रेशर कम होते होते बी पर पहुंच गया। अब इसके बाद हमने एक अजीब सी बात ऑब्जर्व की, वो क्या कि जैसे ही हमने मजीद कूल किया तो वेपर प्रेशर धड़ाम से समझे कोलैप्स कर गया, एकदम से नीचे आ रहा है, शार्प डिक्लाइन कर रहा है ये, ठीक है। तो पॉइंट बी के बाद वेपर प्रेशर शार्प डिक्लाइन कर रहा है, बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। जब वेपर प्रेशर शार्प डिक्लाइन आना शुरू हो जाए ना, उसका मतलब ये होता है कि अब ये आपका सॉल्वेंट फ्रीज करना शुरू कर रहा है, अब इसके अंदर सॉलिड बनना शुरू हो रहा है, और सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत ही कम होता है, इसीलिए वेपर प्रेशर एकदम से शार्पली डिक्लाइन करता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। अब क्या हुआ कि वेपर प्रेशर बहुत तेजी से डिक्लाइन करते करते सी तक पहुंच गया। तो ये पॉइंट बी क्या है? पॉइंट बी बेसिकली वो पॉइंट है कि जब फ्रीजिंग स्टार्ट हुई, और जिस पॉइंट के ऊपर, जिस टेम्परेचर के ऊपर फ्रीजिंग स्टार्ट होती है, जरा टेम्परेचर तो पढ़े जाके कौन सा है वो, तो टेम्परेचर कहाँ से पढ़ेंगे? टेम्परेचर हम पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पर, तो ये टी वन आ गया। तो ये टी वन बेसिकली किसका किसका फ्रीजिंग पॉइंट है? सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट है। अगर मैं वाटर की एग्जांपल लूँ तो मिसाल के तौर पर फिर मैं क्या कहूँगा कि वाटर ने किस लम्हे ये ऐसा कैरेक्टर शो करेगा, ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर वाटर जो है वो, उसका वेपर प्रेशर एकदम से नीचे आएगा, और हम कहेंगे कि भाई वाटर फ्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जाके नीचे पढ़ेंगे एक्स एक्सिस पर, तो हमको टेम्परेचर क्या नजर आएगा, जीरो डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों में से किसी ने कोई बात पूछनी है तो आप लोग अब अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी जी सर, ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पॉइंट ई है या फिर सी है? पॉइंट बी के ऊपर जो टेम्परेचर था, पॉइंट बी के ऊपर जो टेम्परेचर है वो है टी वन, यानी जीरो डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जीरो तो मैंने सपोज किया ना वाटर, जरूरी थोड़ी कि वाटर ही हो, ठीक है। तो पॉइंट बी के ऊपर सॉल्वेंट फ्रीज कर रहा है, प्योर सॉल्वेंट जिसका टेम्परेचर है टी वन। चले आगे। यस सर, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमने ये किया कि हमने सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट नोट कर लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद इसमें सॉल्यूट डालते हैं, यानी इसका सोल्यूशन बनाते हैं। अब जब हम इसका सोल्यूशन बनाएंगे तो क्या होगा, जैसे ही ये सोल्यूशन बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हमें इधर नजर आ रहा है वो क्या रहा है, पॉइंट डी आ रहा है नजर। तो ये पॉइंट डी क्या है, बेसिकली सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, और सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होता है, हमेशा सॉल्वेंट से कम होता है, इसीलिए पॉइंट डी जो है पॉइंट ए से नीचे है। अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद जनाब हम कर ये रहे हैं कि हम सॉल्वेंट को फ्रीज सॉल्वेंट को कूल कर रहे हैं, सॉरी अब हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन को कूल कर रहे हैं। हमने तो सॉल्यूशन बना लिया ना पॉइंट डी के ऊपर, अब सॉल्यूशन को हम कूल कर रहे हैं तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर नीचे आ रहा है। हम और कूल कर रहे हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और नीचे आ रहा है, और कूल कर रहे हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर और कम और कम और कम। जैसे ही पॉइंट ई पर हम पहुंचते हैं, हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन पॉइंट पी पर आने के बाद सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज कर जाता। अब
पॉइंट ई के ऊपर कितना टेम्परेचर हो चुका है। अच्छा पॉइंट ई के ऊपर हो क्या रहा है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एकदम से डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट ई के ऊपर सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है, और जब ये सॉल्यूशन फ्रीज कर रहा है पॉइंट ई पर, तो अब जरा मैं जाके पढ़ूं तो सही कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है। तो अब जब मैंने जाके टेम्परेचर पढ़ा तो टेम्परेचर आया टी टू। तो व्हाट इज टी टू, टी टू इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो अब हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि सॉल्यूशन पीछे फ्रीज कर रहा है, टी वन आगे था और टी टू पीछे है, यानी सॉल्यूशन बहुत पीछे फ्रीज कर रहा है। यानी अगर ये वाटर की एग्जांपल लो तो टी वन जीरो होगा और सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट मिसाल के तौर पर -3 होगा। तो हम ये कहते हैं कि द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन हैज डिप्रेस्ड, सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर, सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो नीचे आ गया है। इसी को कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और कितना नीचे आया, अगर वाटर जीरो पे फ्रीज कर रहा था और शुगर का सॉल्यूशन -3 पर कर रहा है फ्रीज, तो कितना नीचे आया, 3 डिग्री नीचे आ गया। तो ये कह, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टी एफ। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, T1 - T2, यानी यहाँ पर जो मैंने अभी ग्रीन से शो किया ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट इतना नीचे आया है। और कितना नीचे आया, T1 - T2 नीचे आया बेसिकली, इसलिए कि हाई टेम्परेचर तो T1 है ना, इसको कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसकी वैल्यू होती है T1 - T2। लेकिन ये कितना नीचे आएगा फ्रीजिंग पॉइंट, ये डिपेंड करता है कि आपने कितना सॉल्यूशन कितनी कंसंट्रेशन का बनाया। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोलैलिटी के। ये अगेन अब हमारे जितना भी काम होगा सारा पिछली डेरिवेशन के जैसा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के, यानी जितना आप कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, जितना गाढ़ा सॉल्यूशन लेंगे उतना देर से फ्रीज होगा। डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब इसकी बात देखें, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ एम। के एफ क्या है, के एफ जैसे के बी था, के बी क्या था, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। के एफ क्या है, मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कॉन्स्टेंट। मोलैलिटी की वैल्यू एग्जैक्टली वही है जो हमने पिछली डेरिवेशन में देखी थी। फिर इसको हम रीअरेंज कर देते तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के लिए। अब अगर ये जो आपको नजर आ रही है इक्वेशन 3, इनके अंदर में सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में मोलैलिटी को 1 पुट कर दूं, 1 मोलल सॉल्यूशन ले लूं, तो डेल्टा टी एफ और के एफ बराबर आ जाएगा। फिर मैं कहूंगा कि व्हाट इज के एफ, हम कहेंगे कि के एफ इज द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इज डेल्टा टी एफ, Kf is the depression in freezing point when the solution is 1 molal. अब आप लोग अपना माइक ऑन करके कोई भी सवाल हो तो मुझसे कर सकते हैं। ये जो भी कुछ लिखा हुआ है आपके समझ में आ रहा है? जी बेटा, जी ग्राफ जो लाइन BC है वो लाइन जो BC है वो बेसिकली पॉइंट बी के ऊपर प्योर सॉल्वेंट फ्रीज हुआ, और BC के बाद क्या है, जैसे जैसे फ्रीजिंग होती जा रही है सॉलिड बनता चला जा रहा है, तो वेपर प्रेशर तेजी से नीचे आ रहा है। जी यस, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन?
नो सर, इसमें हमें आवाज सही नहीं आ रही है। जी तो ये हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, इनके न्यूमेरिकल भी हैं, इनके न्यूमेरिकल इंशाल्लाह कल देखेंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल होते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के। ये ग्राफ आपको आना चाहिए, ग्राफ के अंदर ही जो मैंने एरोज वगैरह बनाए, तो खैर मैंने समझाने के लिए बनाए, आपने तो वैसा ग्राफ बनाना है जैसा कि बुक के अंदर किया मैंने। ठीक है, ये एरोज वगैरह नहीं बनेंगे जाहिर है। ठीक है बेटा, एनीबॉडी एनी क्वेश्चन? सर, ये जो भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं दोनों, इनका पेपर में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं? देखें, एक तो ये आएगा कि डिस्कस द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये ऐसा भी आ सकता है कि व्हाट हैपेंस टू द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूट इज एडेड टू अ सॉल्वेंट, या व्हाट हैपेंस टू द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन अ सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और शुगर इज एडेड टू वाटर। ठीक है, तो इससे जो प्रश्न भी आ सकता है। इसके अलावा भी इसके अंदर दो तीन तरह के क्वेश्चन आप लोगों से आ सकते हैं, जो कि हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो मैंने आज आपको 10.9 और 10.10 की एग्जांपल भी करा दी है। अब अल्लाह ने चाहा तो कंसंट्रेशन के जितने तरह के न्यूमेरिकल आते थे वो हमने डिस्कस कर लिया। अब इंशाल्लाह आपसे कल 8:30 इंशाल्लाह मुलाकात होगी, लेकिन मैं इंशाल्लाह इसको कंफर्म भी कर दूंगा आपको। ठीक है, ओके सर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।